अस्सलाम वालेकुम, मैं हमज़ा इरफान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा 10 मरले का ब्रांड न्यू हाउस। ये आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम घर के बाहर मौजूद हूँ। घर का ये फ्रंट एलिवेशन है, बहुत ही खूबसूरत घर मालिक ने तैयार करवाया है। मैं आपको इसको अंदर से भी विज़िट करवाऊँगा घर को, और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें। ये घर के बाहर की लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हम घर के अंदर एंटर होते हैं, तो आप देख सकते हैं हम इस टाइम गैराज में मौजूद हैं। सामने निश बनी हुई है जिसमें टाइलों का काम काफ़ी खूबसूरत हुआ है। तो ये इस साइड पर गली आ जाती है, तो आगे गली के आगे साथ ही लाउंड्री एरिया है बैक साइड पे। तो ये हम इस टाइम गैराज में मौजूद हैं। ये यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ पे आप गमले वगैरह रख सकते हैं, सिटिंग एरिया से बना सकते हैं। तो ये विंडो है, ये सामने मेन एंट्रेंस का डोर है। हम यहां से अंदर एंटर होंगे तो आगे लॉबी आ जाती है। इस घर की प्राइस भी मैं आपसे शेयर करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। ये हम घर के अंदर आ गए हैं, तो आप ये लॉबी देख सकते हैं। ये स्टेयर्स हैं फर्स्ट फ्लोर की, ये ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन है। तो ये स्टेयर्स के नीचे एक छोटा सा पाउडर रूम दिया हुआ है। ये अंदर का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है इसका ये वॉशरूम। नीचे कंबोर्ड है, सामने आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम का डोर, ये ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन। ये ड्राइंग रूम के डोर से हम अंदर एंटर होते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन, अंदर फनूस लगा हुआ है और फैन है अंदर। घर बहुत ही खूबसूरत तैयार करवाया है, सिंपल थीम है इस घर की लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये सामने विंडो है जो गैराज की तरफ है, ये ड्राइंग रूम की विंडो है। ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के सेंटर में वुड की पार्टीशन हुई है जिसमें ग्लास का बहुत अच्छा काम, खूबसूरत काम हुआ है। तो सामने आप टीवी लाउंज देख सकते हैं। ये निश बनी हुई है, इसमें बाज़ का लोग वॉलपेपर भी लगा लेते हैं लेकिन ये सिंपल है यहाँ पे। तो ये सामने टीवी लाउंज है, ऊपर आप देख सकते हैं फनूस है। सीलिंग का डिज़ाइन भी सिंपल है इस घर में, और सामने एलईडी पॉइंट है। काफ़ी सोलर वुड का काम हुआ है घर के अंदर। ये घर की मैं आपको लोकेशन बता दूं, ये बैरियर टाउन लाहौर सेक्टर ई में ये घर है, और सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी है। इर्द गिर्द काफ़ी घर बने हैं, करीब मस्जिद, पार्क, मार्केट, सिनेमा, हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये सामने आप किचन इसका देख सकते हैं, किचन आप अंदर से देखते हैं। ये आप कैबिनेट्स का डिज़ाइन देख सकते हैं, इसके साथ ही दरवाज़ा है जो गली की तरफ ओपन होता है। तो ये आप कैबिनेट्स का देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसा सिंपल घर है इसकी डिमांड भी थोड़ी मुनासब है, और जो बहुत लग्जरी और जो बहुत स्टाइलिश घर है उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। लेकिन इस घर की, सिंपल घर की एक अपनी लुक है। ये नीचे आप फर्श देख सकते हैं, नीचे मार्बल लगा हुआ है। तो ये हम रूम में एंटर हो गए हैं। सामने आप देख सकते हैं विंडो है, ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन। ये इसका अटैच बाथरूम है, ये आपको छत दिखा रहा हूँ।
नीचे वाले पोर्शन में दो बेडरूम हैं, ये सामने विंडो देख सकते हैं, ये इसका अटैच बाथ है, ये नीचे कमबोर्ड है, टाइलों का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है इस बाथरूम का। तो मैं आपसे बात कर रहा था, नीचे वाले पोर्शन में दो बेडरूम हैं, दो अटैच बाथ है, टीवी लाउंज है, किचन है, ड्राइंग रूम है, और इस बाथरूम के अंदर वार्डरोब दी हुई है। ये वार्डरोब काफ़ी खूबसूरत है, इसे ओपन करते हैं। अब ये अंदर का व्यू आप देख सकते हैं, हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, तो दूसरे रूम देखते हैं। ये डोर आप देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड है। इस रूम में वार्डरोब रूम के अंदर ही दी हुई है। तो सामने आप विंडो देख सकते हैं, ऊपर ये छत है, सीलिंग सिंपल। तो सामने आप देख सकते हैं निश है, ये इसका अटैच बाथरूम है। बाथरूमों की टाइलों का डिज़ाइन वाइट एंड ब्लैक का कम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर छत पे सीलिंग हुई है। अब ये हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, अपर पोर्शन का एरिया देखते हैं। ये मेन एंट्रेंस का डोर है। ये अब हम स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, तो ये विंडो लगी हुई है स्टेयर्स के पास, बाहर के व्यू देखने के लिए, वेंटिलेशन के लिए। सामने लिविंग एरिया है, लेकिन मैं आपको रूम दिखाता हूँ इसका। सामने सिंपल निश बनी हुई है, ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन, सामने विंडो, वो टेरेस का ये डोर है अंदर से रूम के दिया हुआ, ये अटैच बाथ है इसका, ये नीचे कम्बोर्ड। ये वार्डरोब दी हुई है बाथरूम के अंदर ही। ये वार्डरोब ओपन की, इस घर की प्राइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस घर की प्राइस 2,30,00,000 रुपए मालिक ने डिमांड की है। तो अब ये हम लिविंग एरिया में आ गए हैं, ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन, सामने एलईडी पॉइंट। नीचे वाले पोर्शन में भी यही एलईडी पॉइंट, सेम दोनों पोर्शनों में डिज़ाइन दिया हुआ है। सामने फनूस देख सकते हैं, साथ ही इसके ओपन किचन है, बहुत ही खूबसूरत है इसका किचन, ओपन है। नीचे आप कैबिनेट्स का डिज़ाइन और ऊपर और बीच में टाइलें देख सकते हैं वुड की कलर की। अब ये मैं आपको रूम दिखाता हूँ इसका दूसरा, ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन, सामने विंडो, ये वार्डरोब इसकी देख सकते हैं आप, ये इसका अटैच बाथ, नीचे कम्बोर्ड, ये विंडो है इसकी बाथरूम की। अब थर्ड रूम में हम आ गए हैं, तो ऊपर आप सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं, ये वार्डरोब है सामने, ये इसका अटैच बाथरूम है, नीचे कम्बोर्ड, अपर पोर्शन में तीन बेडरूम हैं, तीन अटैच बाथ हैं, साथ स्टोर है। तो अब मैं आपको स्टोर भी दिखाता हूँ, टीवी लाउंज है, किचन है, ये स्टोर दिखा रहा हूँ मैं आपको। घर ओनर ने बहुत ही खूबसूरत तैयार करवाया है, 5 बेडरूम का घर है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।